दोस्त नमस्कार। द न्यूज लॉन्चर के इस विशेष कार्यक्रम में मैं रविकांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करूंगा राम भद्राचार्य की। राम भद्राचार्य लगातार अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहे हैं, हालांकि उनका जो काम है वो एक पीठ के महंत हैं, राम की कथा कहते हैं, लेकिन राम की कथा कहते कहते वो जिस तरह से जातियों पर टिप्पणी करते हैं, आरक्षण पर टिप्पणी करते हैं, और इतना ही नहीं राजनीतिक बयान देते हैं, उसको लेकर के लगातार उनकी आलोचना होती रही। लेकिन इस बार तो राम भद्राचार्य फंस गए, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने कहा कि जो राम को नहीं भजता है वो चमार है। ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो कानूनी रूप से गलत है, यानी उस शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल किया गया और राम भद्राचार्य को इस पर जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा राम भद्राचार्य ने जो कहा, मरे मुलायम कांशी राम, ये जो शब्द है कांशी राम और मुलायम सिंह पर टिप्पणी करके राम भद्राचार्य ने तो अपने आप को ऐसे जेल जाने के लिए आमंत्रित कर लिया है और इस पर सीधे तौर पर घेर लिया है चंद्रशेखर आजाद ने, दलित राजनीति के नए आइकॉन, लड़ाका, एक मजबूत नौजवान नेता के रूप में चंद्रशेखर आजाद की छवि बन रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी तमाम राज्यों में लगातार उनका संगठन सक्रिय है, और जिस तरह से वो हिंदुत्व की राजनीति को काउंटर कर रहे हैं वो नई उम्मीदें पैदा कर रहा है, और जहां जहां पर उत्पीड़न होता है चंद्रशेखर वहां जाने की कोशिश करते हैं। इस तरह की टिप्पणियां तो उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं होती और इसलिए उन्होंने ये कहा है कि वो राम भद्राचार्य पर FIR करेंगे और उसे जेल भिजवा करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि राम भद्राचार्य आंखों से अंधे हैं, इसलिए भी लोग सोचते हैं और बुजुर्ग भी हैं, लोग सोचते हैं कि नहीं, राम भद्राचार्य ने जो टिप्पणी की उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन ऐसा क्या है कि जहां वो सरेआम ये भी कहते सुने गए कि मैं साधु तो बाद में हूं, पहले ब्राह्मण हूं, आरक्षण खत्म कर दिया जाना चाहिए, आरक्षण हो तो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, दलितों और पिछड़ों पर जिस तरह की वो टिप्पणियां करते रहे हैं, ये हिम्मत राम भद्राचार्य को मिलती कहां से? जो राम को नहीं भजेगा वो चमार होगा, ये कहने की हिम्मत राम भद्राचार्य को मिलती कहां से है, ये सबसे बड़ा सवाल। लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर राम भद्राचार्य के बारे में लिख रहे हैं और साथ में ही नरेंद्र मोदी का फोटो और वीडियो भी चला रहे हैं, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें आगे ले जाते हुए दिखते हैं। ये ताकत क्या उस राजनीतिक सत्ता से मिल रही है? इसका मतलब है कि जो राम भद्राचार्य कह रहे हैं उसे नरेंद्र मोदी एंडोर्स करते हैं, नरेंद्र मोदी दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी राम को नहीं भजने वालों को चमार शब्द कहकर के अपमानित करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी इस देश में जो दलित पिछड़े हैं उनको गाली और अपशब्द कहना चाहते हैं, इसका मतलब तो यही निकलता है। राम भद्राचार्य आखिर कांशीराम और मुलायम सिंह को लानत भेज करके, उनके मरने की बात कह करके और उल्लास की बात कह करके, क्या वो इसी असली हिंदुत्व का परिचय दे रहे हैं और उनके ही एक और शिष्य माने जा रहे हैं जो आजकल खासे लोकप्रिय माने जाते हैं,
वो लोगों का चेहरा देख करके पढ़ लेते हैं। वो बात अलग है कि वो ये नहीं पढ़ सके कि उनका भाई एक रात जाकर के दलित के घर में घुस करके गोली चलाएगा, फायर करेगा और गालियां बकेगा, धमकी देगा। ये वो बागेश्वर धाम का बाबा नहीं पढ़ पाता है, लेकिन लोगों का माथा, लोगों का ये सब पढ़ने में वो बाबा कामयाब है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वो बाबा बागेश्वर सीधे तौर पर डॉक्टर अंबेडकर और उनकी संविधान की अवहेलना करता है, अपमान करता है। जब वो ये कहता है कि ये देश हिंदू राष्ट्र होगा, दरअसल ये संविधान पर हमला है, डॉक्टर अंबेडकर के उस वैचारिकी पर हमला है। और उसके भाई ने तो जो क्राइम किया, जो अपराध किया, उस अपराध का भागीदार क्या बाबा बागेश्वर नहीं है? और बाबा बागेश्वर को ही एक तरह से अपना शिष्य बताने वाले राम भद्राचार्य जिस तरह से अश्लील और अपशब्द गाली की भाषा में इस देश के करोड़ों दलितों को अपमानित कर रहे हैं, क्या वो बर्दाश्त कर लेगा? क्या हिंदू राष्ट्र का मतलब यही है कि दलितों और पिछड़ों को गालियां देना, उनके साथ अन्याय करना, उनका अपमान करना और उनके नेताओं को रोज जलील करना? कांशीराम को गालियां देने वाले की हिम्मत इतनी कैसे होती है? और इसीलिए चंद्रशेखर ने चैलेंज किया है राम भद्राचार्य के इस टिप्पणी पर। उन्होंने कहा है कि FIR दर्ज होगी और वो आदमी जेल भी जाएगा। रोक लगनी चाहिए ऐसे लोगों की जबान पर। और सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें हिदायत भर दी जाए, बल्कि संविधान और कानून जो कहता है उसके अनुसार इनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि देश संविधान से चलता है। इस देश में किसी धर्माचार्य ने, किसी मौलवी ने या किसी क्रिश्चियन धर्मगुरु ने क्या कहा है, इससे देश नहीं चलता, उससे समाज चल सकता है। और समाज में भी जो उसको मानने वाले हैं, जो उसके अनुयायी हैं, अगर उन्हें कोई अनैतिक, अगर उन्हें कोई संविधान से अलग कोई बात लगती है, तो फिर वो ठीक नहीं है। अगर आप संविधान की भावना से बाहर जाकर के इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, तो फिर आपकी जगह जेल में ही होनी चाहिए। और यही कदम चंद्रशेखर उठा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब मायावती खामोश हैं, जब बाकी और दलित नेता इस पर टिप्पणी नहीं करते हैं, उदित राज ने, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने हालांकि ट्वीट किया है, लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा और इस देश के सो कॉल्ड साधु भेषधारी लोग, मैं राम भद्राचार्य को साधु नहीं मानता, क्योंकि साधु का काम होता है लोगों को सही दिशा देना, सही मार्ग बताना, शांति पैदा करना, लेकिन राम भद्राचार्य तो इस देश में सामाजिक भेदभाव की बात कर रहा है, सीधे तौर पर दलितों को गाली दे रहा है। और ऐसे व्यक्ति को कतई साधु नहीं कहा जा सकता। चंद्रशेखर आजाद की जो पूरी राजनीति है वो इसी तरह की हिंसा, भेदभाव, गाली गलौज, अपमान, उत्पीड़न, इसके खिलाफ खड़ी हुई। और यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद लगातार उन समाजों के बीच में, उन लोगों के बीच में जाते रहे हैं और ऐसी टिप्पणियों पर वो अपना मुखर विरोध भी दर्ज कराते रहे। और अगर राम भद्राचार्य पर FIR होती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश के संविधान की तो जीत होगी ही, कानून का शासन भी स्थापित होगा और ये माना जाएगा कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है, तो चंद्रशेखर आजाद की छवि भी मजबूत होगी। लेकिन अगर राम भद्राचार्य का कुछ नहीं बिगड़ता है तो ये भी तय है कि राम भद्राचार्य को असली ताकत कहां से मिल रही है, और राम भद्राचार्य को वहीं से जो लिखी हुई स्क्रिप्ट है वो मिल रही है, उसको वो पढ़ रहे हैं। तो फिर ये भी माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी RSS उनके ही विचारों के आधार पर राम भद्राचार्य आरक्षण को खत्म करने, जो राम को नहीं भजते सो पढ़, उनको चमार कहने, उनको अपमानित करने, उनको गालियां देने,
दलितों के खिलाफ भाषण देने, ये सारी बातें आरएसएस और बीजेपी के खाते में जाएंगी। इससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो दलितों के बीच में जाकर के काम कर रही है, दीनदयाल उपाध्याय का जो सामाजिक समरसता का सिद्धांत है उसकी बात कर रही है, हालांकि सामाजिक समरसता में भेदभाव निहित है और सामाजिक समरसता ये मानती है कि हाथ की पांचों उंगलियां समान नहीं हो सकती। ये दरअसल डॉक्टर अंबेडकर ने जो समता की बात की थी, समानता की बात की थी, इक्वालिटी की बात की थी, उस इक्वालिटी को काउंटर करने के लिए एक ऐसा शब्द निकाला गया सामाजिक समरसता, जिसके जरिए उस समता न्याय के सिद्धांतों को गला घोंटने की पूरी कोशिश हुई और उसी के जरिए आरएसएस बीजेपी लंबे समय से दलितों और पिछड़ों के बीच ये भावना पैदा करती रही है कि वो हिंदू तो हैं लेकिन भेदभाव तो रहेगा, और वो एक हिंदू भावना से जुड़े हुए हैं लेकिन वो दलित भी हैं, वो पिछड़े भी हैं, यानी वो शूद्र हैं, और उन्हें इस देश में द्वयम दर्जे पर रखने में कोई दिक्कत नहीं है, वो द्वयम दर्जे पर ही रहेंगे इस हिंदुत्व की विचारधारा में। और ये जो मैसेज जा रहा है वो मैसेज दलितों के बीच में राम भद्राचार्य के जरिए जब पहुंचेगा तो इससे नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस को बड़ा झटका लगेगा, और राम भद्राचार्य जैसे लोगों की इस तल्ख जवानी से नफरत, हिकारत और गालियों की इस भाषा से भारतीय जनता पार्टी की कहीं लुटिया ना डूब जाए और चंद्रशेखर आजाद को कहीं राजनीतिक रूप से बढ़त ना मिल जाए, इसके भी संकेत मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर।